आज के आपके करंट अफेयर्स 7 जून 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ओआईसी। देखो आपके प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम के बारे हमने कल भी करंट अफेयर पढ़ा था। इंडिया के खिलाफ काफी सारी नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से भी, और कल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ये एक इस्लामिक ब्रदरहुड इस ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड कह दो, जहां पे सारे के सारे जितने भी देश है ना, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है, मुस्लिम देश है जहां की गवर्नमेंट ने अपने आप को इस्लामिक डिक्लेयर किया हुआ है, उन सब ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बनाई थी। अब इसके 57 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये एक तरीके से जैसे मैंने आपको बोला एक कलेक्टिव वॉइस देती है सारे मुस्लिम वर्ल्ड, तो सारे मुस्लिम कंट्रीज एक साथ अगर कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, ठीक है। इसकी परमानेंट रिप्रेजेंटेशन भी है यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में। तो कोई भी चीज इन्होंने बोलनी होती है, कोई भी उनका कंसर्न रेज करना होता है, तो वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी रेज कर देते हैं, ठीक है। कल इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को क्रिटिसाइज किया क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट को उठा के इंडिया के बहुत सारे इवेंट से जोड़ दिया जिसका उसका कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं था। देखो पास में बहुत बारी ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान मेंबर है, इंडिया नहीं है इसका मेंबर, इस कारण यहाँ पे बहुत बारी ऐसी स्टेटमेंट जारी होती है जो इंडिया के खिलाफ होती है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, कभी कुछ हो, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही पास करते हैं इस कारण इस ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंडिया ने कई बार इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनने की बात की है क्योंकि इंडिया का एक ठोस ग्राउंड बनता है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने का। हमने अपनी मेंबरशिप कई बार अप्लाई की है इस ग्राउंड पे कि दुनिया में अगर नंबर में देखोगे एक देश के अंदर मुस्लिम सबसे ज्यादा इंडिया में ही है, ऑब्वियसली हमारी आबादी सबसे ज्यादा है तो मुस्लिम्स भी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो अगर तुम कह रहे हो कि तुम मुस्लिम कंट्रीज की आवाज हो, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज हो, तो जिस कंट्री के अंदर नंबर में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स है, अगर कंट्री वाइज नंबर देखोगे, तुम उस कंट्री को अगर कंसिडर ही नहीं कर रहे हो अपनी मेंबरशिप में, तो ऑब्वियसली कितने मुस्लिम्स को तो तुमने आवाज से बाहर रखा, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। ये तीन आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस ऑर्गेनाइजेशन की। आपकी कल हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 6, ठीक है। तो उसमें ये अरेबिक उसमें भी आती है, उसमें इंग्लिश, फ्रेंच, स्पैनिश, अरेबिक, इस सारी लैंग्वेजेस, रशियन, कल रशिया लैंग्वेज डे था ना, तो इसका तो मेंबर स्टेट्स यहाँ पे सबकी मिला के 1.8 बिलियन की पॉपुलेशन है 2015 में, ठीक है। 49 इनमें से देश मुस्लिम मेजोरिटी देश है, बाकी देखो टोटल 57 मेंबर्स हैं, उसमें से 49 मुस्लिम मेजोरिटी हैं। तो ऐसे देश भी हैं जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं बनता कि इंडिया को मेंबरशिप नहीं दी जा सकती कि इंडिया के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे और भी देश एग्जिस्ट करते हैं। 57 में से सिर्फ 49 ऐसे देश हैं जो जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, बाकी ऐसे भी देश हैं जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी है पर उसके मेंबर बना के रखा है हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का। सेकेंड करंट अफेयर है जन समर्थ पोर्टल के बारे में। देखो जन समर्थ पोर्टल आपके कल लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जहां पे गवर्नमेंट की कोशिश है सबसे पहले तो क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स को लोगों तक जोड़ने की। ये बेसिकली आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के इवेंट के टाइम लॉन्च किया गया है। ये एक सिंगल वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल होगा जहां पे गवर्नमेंट की सारी क्रेडिट स्कीम्स को ना लिंक किया जाएगा। गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम्स क्या है, देखो बहुत सारी, जैसे आपके गवर्नमेंट ना बहुत सारी ऐसी स्कीम्स प्रमोट करती है जिससे
कोई भी पर्सन आसानी से लोन ले सके, मतलब जो भी उस कैटेगरी में एलिजिबल होगा वो आसानी से लोन ले सके। तो उसकी बैकिंग गवर्नमेंट दे देती है, और कई बार इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि अगर लेट्स सपोज बैंक 7% इंटरेस्ट दे रहा है, उसमें से 3% सरकार चुका देती है और बाकी कहती है कि तुम चुका दो। तो इसे कहते हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स, क्रेडिट, सरकार जो पैसे देने की स्कीम्स लॉन्च करती है, चाहे वो किसानों को हो, शेड्यूल कास्ट के लिए लॉन्च की गई है ऐसे कि वो लोन्स लेके अपना काम शुरू कर सकें, ऐसी बहुत सारी आपकी लोन स्कीम्स हैं सरकार की, उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है। सारे बैंक्स को भी लाया जाएगा क्योंकि ये स्कीम्स बैंक के थ्रू मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके जो बेनिफिशियरीज हैं वो डायरेक्टली लेंडर से कनेक्ट कर सकते हैं। इस पोर्टल पे कोई भी पर्सन जा सकता है, वो जिस भी स्कीम के अंडर अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है, उसे उसकी सारी वहां पर टर्मिनोलॉजी, कंडीशन जो भी पूरी करनी है वो कर देगा। उसके बाद बैंक्स भी क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे हैं, वो आपके जो जिस भी बैंक को सही लगेगा आपके डॉक्यूमेंट वो बैंक अप्रूव कर देगा। अगर मल्टीपल ने किया तो आप चूज कर सकते हो कि आप किस बैंक के साथ जाना चाहते हो। तो इस तरीके से सरकार ने जिन्हें लोन चाहिए और जो लोन दे रहे हैं उन दोनों को लिंक कर दिया और अपनी स्कीम्स को भी लिंक कर दिया। तो इसके थ्रू सरकार की 13 क्रेडिट लिंक स्कीम्स इसके थ्रू जोड़ी जा रही हैं, ठीक है। इससे इस प्लेटफॉर्म का हमारा अल्टीमेट पर्पस है इंडिया के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ सके। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? देखो, इंक्लूसिव का मतलब होता है सबका, सबको साथ लेके ग्रो करना, ठीक है। ग्रोथ तो सिर्फ अमीरों की भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं आपके जिन्हें जरूरत है उन्हें लोन्स दे सकूं, उन्हें टाइम से पैसा प्रोवाइड कर सकूं, तो अपने आप एक बेनिफिट पहुंचेगा उन तक कि वो कभी भी एक पावर्टी का साइकिल तोड़ के अपने लिए कुछ बेटरमेंट का काम भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सरकार स्कीम्स लगातार लॉन्च करती जाती है। तो ऐसे अभी 13 स्कीम्स को इसके अंदर लिंक किया गया जो अभी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, ताकि सेवरल सेक्टर्स के अंदर और गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स मिल सके और डिजिटल प्रोसेसिंग के थ्रू जल्दी कवरेज हो सके, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज होगा तो सबको सारे प्रोसेसेस क्लियरली दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड टू एंड कवरेज होनी चाहिए सारे स्कीम्स की, डॉक्यूमेंट सबमिशन से लेके लोन पासिंग सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो, ठीक है। तो ये पोर्टल 100% इस चीज के लिए बनाया गया है कि अब कोई भी काम ऑफलाइन ना करना पड़े। यहाँ आपको हर बैंक के पास जाके अलग अलग स्कीमों के बारे या सेम स्कीम के बारे बार बार ना पूछना पड़ेगा कौन सा बैंक अप्लाई करेगा। तुम यहां अप्लाई करो, बैंक्स आपको यहीं रिप्लाई कर देंगे, तो आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा, ये सारी चीजों की बचत हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। इसके कारण स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, फार्मर्स, एमएसएमई, सारे लोगों की लाइफ ज्यादा बेटर होगी। ये पोर्टल सारा ओपन आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है। देखो ओपन आर्किटेक्चर क्या होता है, और इस साल आपके यूपीएससी में कोर्स पे आया था, मतलब क्वेश्चन भी आया था, हमने लास्ट ईयर करंट अफेयर में पढ़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जितने भी ये आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, सरकार ज्यादातर जब भी अपने पोर्टल्स बनाती है ना, वो हमेशा ओपन सोर्स बनाती है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स की ना तुम कोडिंग उठा सकते हो और तुम उसमें अपनी खुद की कस्टमाइजेशन आगे और प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे और आगे बढ़ाया और एनहांस किया जा सकता है। तो तुम लेट्स सपोज जनसमर्थ पोर्टल तुम्हारी लेंडिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, तुम अपनी यहां से कोड उठाओगे, जनसमर्थ पोर्टल को अपनी वेबसाइट के अंदर भी लिंक कर सकते हो, या अपनी कुछ अलग फैसिलिटीज भी इसके अंदर ऑफर कर सकते हो जो सरकार से लगोगे। तो ये इसीलिए ओपन सोर्स रहता है, ओपन आर्किटेक्चर है इसका, इनकी कोडिंग हिडन नहीं होती, पब्लिक रिलीज होती है कि कोई भी इन्हें यूज कर सके और इन प्लेटफॉर्म्स को और आगे पर्सनलाइज तरीके से ग्रो कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये ओपन सोर्स आतर बनाए जाते हैं। थर्ड करंट अफेयर है आपके पीर पंजाल रेंज के बारे में। देखो पीर पंजाल रेंज क्या है, अभी मतलब वहां पे सारा इलेक्शन और वो सब कुछ के सीजन शुरू होने वाला है,
क्योंकि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन बन गई थी, तो अब जल्दी इलेक्शंस और ये सब कुछ का मुद्दा भी धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने जगह जगह पे कैंपेन्स करने ऑलरेडी शुरू कर दिए, ताकि थोड़ा सा वोट बैंक, अभी इलेक्शंस अनाउंस नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस वो अपना बेस क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं। तो पीर पंजाल कहते हैं कि काफी कंटेस्टेड एरिया है, क्योंकि तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बुद्ध तीनों टाइप की पॉपुलेशन बराबर सी रहती है, ठीक है। नहीं तो जम्मू में बीजेपी जीत जाती है मुस्लिम हिंदू वोट के कारण, कश्मीर में मुस्लिम पार्टी जीत जाती हैं मुस्लिम वोट के कारण। ये जो बीच के एरियाज है ना, यही एक्चुअली कंटेस्टेड एरियाज हैं, जहां पे दोनों पॉपुलेशन मिक्स रहती है। तो जो आपके पीर पंजाल रेंज है, ये लेसर हिमालयन रीजन का पार्ट बनता है, और ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इवन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे आजाद कश्मीर वो कहते हैं, ठीक है। और पंजाब का जो एरिया है उसके अंदर पीर पंजाल पड़ता है। पंजाब का जो नॉर्दर्न एरिया है, ये सारे एरिया में, तो ये कश्मीर ही कह लो हम, क्योंकि अलग कंसिडर नहीं करते। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल, इनके अंदर आपके पीर पंजाल रेंज पड़ती है। एवरेज एलिवेशन, एवरेज हाइट यहाँ पे पहाड़ों की 1400 से 4100 मीटर के बीच बीच में है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसके सदरन साइड पे धौलाधार रेंज पड़ती है पीर पंजाल रेंज के, ठीक है। ग्रेजुअल एलिवेशन मतलब उठ जाते हैं हिमालय थोड़े से धौलाधार और पीर पंजाल रेंज की तरफ। देखो पीर पंजाल रेंज अपने आप में लार्जेस्ट रेंज है लेसर हिमालय से, ठीक है। ये सतलुज के बैंक के पास पड़ती है, और आपके ये डिवाइड पड़ती है ब्यास और रावी के। तो ब्यास और रावी एक साइड पे पड़ जाते हैं और चिनाब आपकी दूसरी साइड पे पड़ जाती है, मतलब एक साइड पे इसके सतलुज लग गई, ठीक है। फिर ये आपकी जो पहाड़ों की रेंज है, एक साइड पे ऊपर से आपकी चिनाब निकल गई, नीचे से ब्यास और रावी जा रही है, मतलब सतलुज तो इससे भी नीचे चली गई है, पर वो इसके कोने से लग के जाते हैं, मतलब यहाँ सतलुज ब्यास बीच में से आती होती है इसके, वो इस तरीके से क्रॉस करते हैं इसे। अब इसे क्रॉस करना है अगर पीर पंजाल रेंज को, आप सिर्फ कुछ पासेस के थ्रू ही क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहले जो पास है हाजी पीर पास। देखो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आते हैं कि ये जो पास है वो किन शहरों को आपस में कनेक्ट करते हैं। हाजी पीर पास आपके पूंछ और उरी के एरिया को कनेक्ट करता है, ये आपके बॉर्डर के एरिया पड़ते हैं। इसके बाद का जो कश्मीर है उसे पाकिस्तान कंट्रोल करता है। पूंछ इंडिया के पास है, उरी भी इंडिया के पास है, पर ये दोनों बॉर्डरिंग शहर है, ठीक है। ये जो हाजी पीर पास है ये इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ पड़ जाता है हाजी पीर पास। ओरिजिनली जब आपकी 1948 की भी वॉर हुई थी और 65 की भी जो वॉर हुई थी, हमने दोनों टाइम पे हाजी पीर पास जीत लिया था, पर वॉर खत्म होने के बाद हमने पाकिस्तान को रिटर्न कर दिया दोबारा से, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम रख लेते पूंछ और उरी में, ट्रैवल और आसान हो जाता, पर हमने क्योंकि टेरिटरीज वापस एक्सचेंज कर ली जाती हैं ताकि न्यूट्रलिटी बन जाए, इस कारण हमने वो रिटर्न कर। इसके अलावा पीर पंजाल पास, जिसे पीर की गली भी बोला जाता है, वो आपकी कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है राजौरी और पूंछ से, ठीक है। तो वहां पे जो मेन हाईवे निकलता है उसे मुगल रोड कहते हैं, उसी में से आपकी कश्मीर वैली राजौरी और पूंछ से कनेक्ट होती है, पीर की गली या पीर पंजाल पास जिसे कहते हैं। उसके बाद बन्नीहाल पास है, ठीक है। ये जहां पे झेलम रिवर शुरू होती है उसके बिल्कुल हेड पे, जहां पे झेलम रिवर शुरू होती है वहां से ये पास पड़ता है कश्मीर वैली के बिल्कुल सदरन एंड पे, जहां से झेलम शुरू होती है सदरन एंड कश्मीर वैली की, ये वहां पे ये पास पड़ता है। ये बन्नीहाल और काजीगंध के एरिया को बीच में से कनेक्ट करता है, ठीक है। अगला है सिंथन पास। सिंथन पास आपके जम्मू कश्मीर को किश्तवाड़ के एरिया से कनेक्ट करता है, जहां पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। अगर नेशनल पार्क की बात करूं, वहां पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। जहां से कौन सी रिवर निकलती है, झेलम, ठीक है।
फिर रोहतांग पास या रोहतांगला जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा, ये बिल्कुल पीर पंजाल के ईस्टर्न एंड की साइड आ जाता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है आपके मनाली कुल्लू वैली को आपके केलोंग और लाहौल वैली की साइड, ठीक है। एक साइड पे कुल्लू मनाली पड़ जाता है, एक साइड पे केलोंग लाहौल पड़ जाता है, तो उस साइड पे ये दोनों कनेक्ट करता है। यहीं पे आपका अटल टनल बना है, ठीक है, रोहतांग पास के वहां पे। तो ये चीजें क्लियर है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए फोर्थ करंट अफेयर है सुरोगेसी एक्ट के बारे में। अब सुरोगेसी होती क्या है, सबसे पहले ये पूरी आपको डिटेल में बताऊं, क्योंकि ये जनवरी में इस साल बिल ये शुरू हो गया, जनवरी से लागू हो जाना था, ये बिल लागू हो गया। देखो, सुरोगेसी होता है जब जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो किसी और वुमेन का वूम्ब एक तरह से रेंट पे ले लेते हैं। तो बेसिकली यूजली क्या होता है कि लेट्स सपोज कोई कपल जो जिन्हें कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या करते हैं, आर्टिफिशली इंसेमिनेट करके आपके एग्स को वो किसी और वुमेन के वूम में ब्रीड करवा देते हैं। तो अगर किसी वुमेन को प्रॉब्लम हो, वो खुद नहीं चाइल्ड बियर कर सकती, तो ये अब आर्टिफिशियल एक तरीका है कि एक एग को फर्टाइल करके वो किसी और वुमेन के वूम में डाल दिया जाता है और 9 महीने उसी वूम के अंदर वो बच्चा रहता है, ठीक है। तो 9 months ह्यूमन साइकिल है, वो बच्चा वहीं पे ग्रो होता है और फिर आपके जो ओरिजिनल पेरेंट्स है जब बर्थ होगा उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे ले लेते हैं। ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये इस कारण ही है कि बेसिकली देखो, अगर पेरेंट्स अडॉप्ट करने को, तो कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर लो, पर जो चाहते हैं कि उनकी अपनी ब्लड लाइन से ही बच्चा हो, वो इस तरीके का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। अब देखो, सुरोगेसी ना इंडिया के अंदर एक ब्लैक मार्केट बन चुकी थी एक टाइम पे। ये एक्ट क्यों आया, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। देखो, इंडिया के अंदर दो चीजें, बहुत सारे फॉरनर्स को अट्रैक्ट करती थी जो सुरोगेसी करवाना चाहते थे। इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जितने आपके प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी, इवन आपके गवर्नमेंट के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, पर प्राइवेट के अंदर भी, तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, इंडिया के अंदर क्योंकि गरीबी बहुत है, तो बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री से लोग आते थे, उन्हें बहुत सस्ते में आपके ऐसे वुमेन मिल जाती थी जो सुरोगेसी के लिए मान जाती थी, और कुछ पैसों के लिए वो 9 महीने अपने वो में बच्चा होल्ड कर लेती थी, ठीक है। अब पर हुआ क्या, इंडिया के अंदर इसके कारण ना बहुत सारे मिडल मैन बन गए। वो क्या करते थे कि फॉरनर्स को ढूंढते थे जिन्हें करना है, इंडिया के अंदर गरीब औरतों को ढूंढते थे, बीच में मिडल मैन का काम करते थे कि 50,000 उसे दे दिए, खुद 2-3 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, उनका काम आपस में जुड़वा दिया चुकी। इसके अलावा एक तो देखो, ये फिर वुमेन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया जाता था। अब एक चाइल्ड बियर किया है, उसके बाद वैसे कुछ टाइम पीरियड, कुछ गैप, सब कुछ चाहिए, पर जब कमाई का सोर्स बन रहा है, तो ऑब्वियसली उन्हें पुश किया जाता था कि दोबारा से सुरोगेसी कर लो, दोबारा से सुरोगेसी कर लो। तो ऑब्वियसली हेल्थ पे इंपैक्ट आता है, वीकनेस और डेथ भी हो जाती होती है। दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या हुई कि देखो, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे केस आए जहां पे आपकी सुरोगेसी करवाई कुछ आपके फॉरनर्स ने, उसके बाद उन्होंने बच्चा अडॉप्ट ही नहीं किया। जैसे कि एक केस हुआ जापानीज कपल का, वो इंडिया के अंदर आए, उन्होंने सुरोगेसी के लिए एक वुमेन को हायर किया, 9 महीने के अंदर अंदर वो जो कपल था ना, उनका डिवोर्स हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों ने ही मना कर दिया कि हम में से किसी को बच्चा नहीं चाहिए। अब वो जो गरीब थी, अब उसके सिर पे बच्चा भी पड़ गया, तो एक्स्ट्रा बर्डन आ गया ना। ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन कपल का केस बहुत मशहूर हुआ था, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने भी सुरोगेसी करवाई और सुरोगेसी में ट्विंस हो गए, पर उस कपल ने कहा हमें सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो अब वो दूसरे बच्चे का क्या किया जाए, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, इसके कारण इंडिया के अंदर जरूरत लगी सुरोगेसी को रेगुलेट करने। अब सुरोगेसी इंडिया के अंदर अलाउड तो है, पर इंडिया के अंदर सबसे पहले तो एल्ट्रूसिक सुरोगेसी ही अब अलाउड है। एल्ट्रूसिक सुरोगेसी क्या होती है, जिसमें तुम पैसे नहीं पे करते किसी को, ये फ्री होनी चाहिए,
तो ये फिर क्यों कोई बियर करेगा? सो बेसिकली अब सुरोगेसी को डिफाइन किया गया है कि जहां पे एक वुमेन अंडरटेक करती है बर्थ एक अदर कपल के लिए, ठीक है, पर ये इस टाइम पे सिर्फ कपल उस लेडी के मेडिकल एक्सपेंसेस और उसका इंश्योरेंस कवर पे करेंगे और किसी टाइप के मॉनेटरी कंसिडरेशंस नहीं परमिटेड, ठीक है? तो ये प्योरली वॉलेंट्री होना चाहिए और एज अ चैरिटी होना चाहिए, तो इसके लिए पैसे नहीं ले सकते। अब इंडिया में सिर्फ यही है, कोई भी पर्सन इसके लिए पैसे नहीं ले सकता। तो अब फिर और तीसरी चीज है, तुम किसी रैंडम पर्सन से अब ये नहीं करवा सकते, ये सिर्फ जो फैमिली रिलेशन में है उन्हीं से ही कोई करवा सकता है अब, अगर वो मान जाए, नहीं तो तुम कोई रैंडमली हायर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है अगर तुम किसी गरीब लेडी को कन्विंस कर रहे हो और तुम कह भी रहे हो कि कोई पैसे नहीं हम दे रहे, क्या सबूत है कि तुम नहीं पैसे दे रहे? ऑब्वियसली वो क्यों माननी होगी, वो किसी ना किसी पैसे के लिए माननी होगी, तो इस कारण आपके कंप्लीटली बैन है। दूसरी चीज, हमने ये देखते हुए कि फॉरेन कपल्स जो आके इंडिया के अंदर ऐसे कई चाइल्ड्स को अबैंडन करके चले गए, इसी कारण अब इंडिया का जो लॉ है वो सिर्फ अलाउ करता है मैरिड इंडियन मैन और वुमेन को ये करने के लिए। तो अब फॉरेनर्स को बैन है इंडिया के अंदर सुरोगेसी, सुरोगेसी सिर्फ इंडियंस कर सकते हैं, मैरिड कपल या कोई सिंगल वुमेन भी कर सकती है, पर या तो वो विडो होनी चाहिए या वो डिवोर्सी होनी चाहिए, ठीक है? बिना मैरिड के सिंगल वुमेन भी नहीं कर सकती, मेल्स तो कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन, ठीक है? इसमें एज लिमिटेशन भी है, अगर मैरिड कपल है तो 23 to 50 years के बीच में वुमेन की एज होनी चाहिए, ठीक है, और मेल की एज 26 to 55 के बीच में होनी चाहिए। अगर सिंगल वुमेन है उसे 35 to 45 years के बीच के होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी की सारी जो सुरोगेसी की इंडस्ट्री है उसे रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, उसके जो सारे कारण है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए, जैसे जापानीज कपल का मैंने आपको बताया, सारी की सारी चीजें इसी से। अब फिफ्थ करंट अफेयर है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपके 7 जून को हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है? तो इसे 2018 से मना रहे हैं दुनिया में अवेयरनेस रेज करने के लिए, फूड सेफ्टी के लिए। देखो, साफ और अच्छा खाना ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप साफ और अच्छा खाना नहीं खाते हो ना, फूड बॉर्न डिजीजेस के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। फूड बॉर्न डिजीजेस, जैसे हम कई बार कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग होगी, उससे लेके आपकी इवन खाने से ना डेथ तक हो सकती होती है अगर खाना ढंग साफ सुथरा ना खाया जाए। तो इस कारण ये हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया की अटेंशन और इंस्पायर किया जा सके सबको, प्रिवेंट डिटेक्ट और मैनेज करने के लिए फूड बॉर्न रिस्क और सारे डिजीजेस को, ये सारी चीजों से हमें बच के रहना जरूरी है, ठीक है? तो क्योंकि हम किस तरीके से खाना उगाते हैं, किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे बेचा जाता है, खरीदा जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे सर्व किया जाता है, तो हर बंदे का कोई ना कोई रोल है फूड सेफ्टी के अंदर। अगर सबको प्रॉपरली पता हो कि हर बंदे को क्या करना है कि फूड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, तो आपके अपने आप ही खाना सेफ होता जाएगा। देखो, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमारे अंदर ही तो आ रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पेस्टिसाइड हद से ज्यादा यूज होंगे तो वो अल्टीमेटली ह्यूमंस को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे वो एक पेस्टिसाइड था, मैं उसका नाम बताता हूँ, एंडोसल्फेन, एक ना पेस्टिसाइड था एंडोसल्फेन। इसके कारण ना आपके केरला के एरिया में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। एंडोसल्फेन से तैयार किया हुआ, इसके जहां पे पेस्टिसाइड यूज किए थे ना, उससे जो खाना तैयार हुआ उसके कारण बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोगों के नर्वस सिस्टम डैमेज हो गए, वो मेंटली रिटार्डेड हो गए, उन्हें सब कुछ समझ आना बंद हो गया। और ये सिर्फ उन तक असर नहीं रहा,
उनके जीन्स डैमेज हो गए जिसके कारण उनके आगे जो बच्चे हुए हैं ना बच्चे भी मेंटली डैमेज्ड हैं। तो ये सारी चीजें एक पेस्टिसाइड के कारण। तो ऐसी सेफ्टी इस कारण इंश्योर करना जरूरी है कि ऐसी चीजें हमारी फूड चेन में ना आए, हम ना कंज्यूम करें इन्हें, ठीक है, ये सारी चीजें इस कारण, ठीक है। तो आपके थीम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 का थीम, ये कभी आपको इस साल के पेपर में किसी में क्वेश्चन आ सकता है, उसका थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ, ठीक है, क्लियर है, ये आपका थीम है, ये WHO के द्वारा अनाउंस किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपका थीम है, क्लियर है, कोई भी डाउट। ये थे आपके आज के